हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर विनी चौबे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के 12:05 में। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। वैसे तो मैं आज ब्लॉग बनाने वाली नहीं थी, बट मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं। पूरा पूरा दिन जो भी होगा दिखाते रहूँगी मैं आप लोगों को। तो घर में आप लोगों ने देख ही लिया है, मैं शिफ्ट हो गई हूँ। अभी बाहर का प्लास्टर नहीं कराया, बाद में कराऊँगी। घर के अंदर का जो जो था मैंने सब आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखा दिया है, बट फिर भी। और अब क्या है, मेरी टूटी सामान को शिफ्ट करना। और देखो मेरे हस्बैंड ने झंडा लगाया है हनुमान जी का। ये देखो यहाँ पे इन्होंने मसाले का, जो मसाला बनता है उसका, वो पिलर खड़ा करने के लिए बना दिया स्टैंड। और ये देखो ये ऊपर लगा रखा है बालाजी का झंडा इन्होंने। ये हाँ बालाजी, ये मसाले वाला ये जो है इसलिए बनवा दिया था ताकि मतलब स्टैंडेबल रहेगा, इधर उधर गिरेगा नहीं। और यहाँ पे तार से बांध दिया है, ये रहा ये दिख रहा है, ये तार से इसलिए बांध दिया ताकि टीन से टकरा के टूटे नहीं। और मैं वहाँ गई थी, एक हमारे बगल में जो जी हैं रिश्ते में लगती हैं, तो उनको वहाँ से उठवाने के लिए। और चलो मैं अंदर दिखाती हूँ, पूरा घर फैला पड़ा है। अभी 10-12 दिन तक तो आप लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि सारा ऐसे ही रहेगा। चलो दिखाते हैं अंदर का। और बाहर ऐसे ही है अभी, ये दरवाज़ा जो बंद नहीं होता था वो भी ठीक हो गया अब। और बाहर का सीन, अंदर का सीन कुछ ऐसा है। ये अभी बिस्तर विस्तर मुझे समेटना है। ये कल जो पूजा हुई थी पंडित जी ने बोला था कि छेड़ना नहीं है, तो मैंने नहीं छेड़ा इसको। और अभी मैं सफाई फाई कर रही हूँ, तो सारा का सारा उठा उठू के सब अब रखूँगी। और कपड़े लत्ते भी तय करके रखूँगी। बाथरूम में जो कपड़े कल मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो अभी भी पड़े हुए, क्योंकि शाम का ब्लॉग था तो मैंने धोए नहीं थे कपड़े। और यहाँ पे बर्तन मैंने अभी धो के, ये जो बर्तन है मैंने इसमें धो के रखे, ये मैंने यहाँ लगा रखा क्योंकि हवा बहुत तेज़ आती है। इसका पर्दा लेकर आना है और जाली लगवानी है। और खाने पीने का ये है कि इसमें दूध है, और रात को चाय गिर गई थी इसके ऊपर, तो अभी मतलब अभी मैं घर का काम कर ही रही हूँ। और ये पाइप लगा रखा है, ये देखो यहाँ पर हस्बैंड ने मुझे होल कर दिया है ताकि मतलब पानी जो पाइप लगाऊँ मैं मोटर, तो ये इसमें आ जाएगा। अभी तक मैंने मोटर नहीं लगाई है, जारू मोटर लगानी है। और सिंक लगा दिया है, ये देखो ये नया सिंक लेकर आए हैं, ये लगाया है। ये अब इसका मतलब ये कप बर्तन वर्तन धुलते रहेंगे तो ये निकलता रहेगा इस तरीके से। ये प्रोटेक्शन होता है इसका, मतलब ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए। बिल्कुल अभी नया ही है, जब बर्तन वर्तन धुलेंगे तो सफाई होती रहेगी। और इसके अंदर मैंने पीने का पानी भर के रखा हुआ है, और जो भी सामान वामान है इसके अंदर पानी भर लेती हूँ धोने धाने के लिए बर्तन वर्तन। और ये बर्तन धोने के लिए सामान लेकर आई हूँ मैं, और ये सब मतलब अभी। और ऊपर मुझे भी सामान रखनी है, जो बर्तन लेके आऊँगी मैं अभी। और ये अभी बिजली का काम जो था इसमें रखा हुआ सामान मटेरियल, ये आटा लेकर आई थी, 4-5 दिन हो गए। और इसके अंदर भी सामान है, सारा का सारा सामान अभी फैला ही पड़ा है। और बर्तन धो रही थी अभी तो ये गीला हो रखा है, तो और घर के मतलब ये लगा रखा है ताकि मेरे पैर वर गीले बाहर यहाँ ना आए। किचन का ही काम स्टार्ट करा था, मैंने कहा एक जगह लगूंगी ताकि मतलब चारों तरफ से ना फैले। बाल देखो कितने लाल हो रहे हैं, क्या बात है ऐसा। ये देखो बाल कितने लाल लग रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? ये कैमरे का रिफ्लेक्शन है, रुको जरा देखती हूँ मैं, शीशा कहाँ है मेरा? हाँ यार बड़े लाल लग रहे हैं, है तो ये रहा शीशा इतना। मतलब अपने घर में आने की इतनी खुशी है मेरे को, गाल पूरे लाल हो रहे हैं। और ये खिड़की मेरी ऐसी है कि एक बार बंद कर दो तो खुलती नहीं, खोल दो तो बंद नहीं होती है। ये खिड़की है यहाँ पे रोशनी के लिए, हो जाएगा। अब मंदिर आप लोगों को दिखेगा ढंग से, देखो लाइट आ गई ना, ये खिड़की खोल दी मैंने, अब बहुत लाइट आएगी अंदर, तो ये देखो अब सही से दिखने लगा। और मैं जो है दरवाज़ा बंद करके काम कर रही थी, मेरा चलता रहेगा काम, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। हाँ इसको बंद कर देती हूँ। अभी दरवाजे पे भी पेंट करना है, तो आप लोग मुझे बताना कि दरवाजे पे मैं पेंट कौन सा कलर करूँ, ब्राउन या ब्लैक। ठीक है, दो ही ऑप्शन में हैं, तो आप लोगों को दो ही बताने हैं, या तो ब्राउन या ब्लैक। और खिड़की के लिए भी बताना ब्राउन या ब्लैक। और जो किचन की खिड़की है, ये रही किचन की खिड़की जो है ये वाली है, तो इसमें भी मुझे बताना ब्राउन या ब्लैक। तो चलो मैं ज़रा मोटर लगा कर आते हैं, चलो मोटर लगा कर आते हैं, पानी आ जाएगा, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है मेरा।
तो यहाँ मैं मोटर ऑन कर देती हूँ। ये कनेक्शन है घर में, ये दे रखा है किचन के अंदर, इसको मैं लकड़ी से ऑन करूँ क्योंकि नीचे फर्श गीला हो रखा है तो मेरे मतलब जो पैर हैं वो भी गीले हैं, झटका मारे और बहुत जोर के, तो इससे ऑन कर देती हूँ लकड़ी से। ये मोटर ऑन हो गई है, अब जाके यहाँ पंप मारना पड़ेगा नल पे, ठीक है पहले ये देख लो। हाँ पानी गिरेगा तो इसी के अंदर ही गिरेगा। आ गया क्या ना, जो पाइप में पानी था वही प्रेशर से आ रहा है। चलो वहाँ पे पंप मारते हैं नल पे, फटाफट जाना पड़ेगा, ठीक है चलो। ये यहाँ से जाना है, ये रहा ये मेरे हस्बैंड ने ये पूरा पाइप लगा रखा है ताकि मतलब मुझे घर से बाहर कोई काम के लिए आना ना पड़े, और ये मोटर लगा रखी है इसके अंदर पाइप पंप मारना पड़ता है नल पे। वैसे भी आ जाएगा पानी लेकिन 15-20 मिनट लगेगा, तब तक इंतज़ार करने से बढ़िया पंप मारो। ये देखो पंप मार दिया, ये पानी आ गया और ये पाइप में भी पानी चला गया और अब ये आ जाएगा घर तक। चलो दिखाती हूँ, सारा पाइप मैंने ऐसे बिछा रखा है, वो रेता पड़ा हुआ है ये पाइप बिछा रखा है, और ये देखो किचन का पानी यहाँ आता है, ये रहा ये है ना इसमें आता है और ये पानी बाहर गिर रहा है। ये चलो घर के अंदर, ये आ गया पानी, ये देखो ये रहा ये पानी आ गया। अब मैं कर लेती हूँ फटाफट काम, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि पानी वेस्ट हो रहा है ना, और पानी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो चलो मिलती हूँ बाद में। हाँ काम कर लूँ। ये हैं पत्ते सरसों के, इनको भी धो लेती हूँ बढ़िया करके, इनको मैं सिंक में डाल के धोऊंगी क्योंकि सिंक में भी बर्तन वर्तन में धो नहीं रही हूँ, बन नीचे बैठ के धो रही हूँ, तो मैं इसी में धो लेती हूँ बढ़िया करके। और अब पानी का भी बंद कर देती हूँ मोटर, ठीक है इसी से ही करूँगी ताकि करंट ना लगे, और आप मुझे वहाँ जाना नहीं है क्योंकि वहाँ का तो काम फाइनल हो गया है और वो अपना होता रहेगा धीरे धीरे। मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्या बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल, तो मैं चावल को भिगो के रख देती हूँ, मतलब 5-7 मिनट भिगोऊँगी, चावल बढ़िया बनेगा लंबा लंबा, और फिर उसके बाद में एक घंटे बर्गर इसको मैं रख लूँ। हैं तो बहुत सारे बर्तन लेकिन अभी वही है ना ले रहे हैं, इसी में रखती हूँ, इसमें रखती है। और लाइट का कनेक्शन देखो ये रहा, ये एक बल्ब यहाँ दे रखा है और ये वायरिंग कर रखी है, ये मोटर का हो गया जो मैंने आपको दिखाया ही है, इसका कनेक्शन जो है यहाँ से देखो, ये मैंने चलाया और ये देखो बल्ब चल गया, जब बंद कर देती हूँ दिन में अभी क्या ज़रूरत है। तो इसका मुझे पेंट कराना है, पेंट बाद में करा दूँ, मेन होता है कि चलो यार अपने घर में आ गए और वहाँ पर मैंने वो लगा रखा है वेंटिलेशन के लिए, तो उस पर भी जाली लगानी है क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत मच्छर आते हैं भाई और सांप सूप का भी डर है, आप लोगों को तो पता ही हमारे यहाँ पे इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है तो सांप सूप का डर लगता है। और अब मैं काम करती हूँ, हाँ और इसमें रखा है मट्ठा क्योंकि, और ये बेसन लेकर आई हूँ, जो हमारे बगल में भाभी हैं जिनका मैं घास अभी उठाने के लिए गई थी, उनकी गाय भी आई है तो उन्होंने मुझे मट्ठा दिया, तो मैंने कहा चलो मतलब कढ़ी चावल बना लेती हूँ। हाँ यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मैं पकोड़े तल रही हूँ, इसके अंदर मैं पकोड़े डाल रही हूँ, और ये रहा पेस्ट, ये इधर पेस्ट मैंने बना लिया है, बर्तन वर्तन सब धो दिए हैं और मतलब थोड़ा सा ही है सोना और मेरे लिए ही बनाऊँगी कढ़ी, इसके अंदर ये पकौड़े डाल रही हूँ। उसने मुझे फरमाइश करी कि मम्मी पकौड़े वाली कढ़ी बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। और काट के रख दिए हैं ये सरसों का साग, मतलब सरसों तोड़ के लाई थी वो है, धनिया है, हरी मिर्ची कम ही डालूँगी और प्याज। तो ये पकोड़े तल रही हूँ मैं, तल के फिर मिलती हूँ। यहाँ पे चावल भिगो दिए, अभी गैस ऑन नहीं करा है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कढ़ी बन गई है, देखो कढ़ी बन के है तैयार, ये ऐसा कैमरा धुंध, हाँ अब साफ है, यहाँ पे कढ़ी बन के है तैयार। यहाँ पे मैंने चावल बनने के लिए रख दिया है और ये थोड़े से पकौड़े मैंने सोना के लिए बचा दिया, और ये मैंने खिड़की पूरी कवर कर दी है क्योंकि जो पवन देवता थे
मतलब हैं वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, सारी की सारी हवा यहाँ से गैस पे लग रही थी और गैस ब्लिंक कर रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको बंद कर देती हूँ, इसको ढकती है, अभी सब साफ सफाई कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ अभी पूरी तरीके से सफाई नहीं हो पाएगी, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो मतलब देखने लायक तो हो गई। फिर उसके बाद नहाऊंगी और उसके बाद बाहर के काम में लगूंगी, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने खाना पीना खा दिया, नहा लिया और तैयार होकर जारी सोना को लेने उसको स्टील से। देखो फसल कैसे लहरा रही है, बांध रखा है ताकि मतलब गाय वाय या फिर कोई भी जानवर फसल ना खाए। और देखो सारा गन्ना वन्ना कटने के बाद गाँव कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो सारा गन्ना कट गया ना, कितना बढ़िया लग रहा है। और वो मेरा घर, ये सारा देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये फसल लहरा रही है और यहाँ पे सारा गन्ना वन्ना कट गया। हवा देखो कितनी तेज चल रही, शेडो में दिख रही होगी आपको मेरी। स्कूल की बस जा रही है, पराल को देखो कैसे ढका हुआ ताकि उड़े नहीं। हमारे देखो चारों तरफ झंडे लहरा रहे राम जी के, कबूतर उड़ रहा है। ये टंकी में पाइप टंगा है, मेरे को लगा कैसा जो पानी आ रहा है इसके अंदर से। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सोना को रिसीव कर लिया है और सोना की स्वेटर मतलब घर में शिफ्ट करा है ना, तो सामान के अंदर स्वेटर मुझे मिली नहीं, खाली ड्रेस मिली थी, तो स्वेटर मैंने घर के पहनाटे से भेज दिया। ये गन्ने की ट्रॉली जा रही है, ये ईटा आ गई मंदिर बनने के लिए, मुर्गे घूम रहे हैं, ये आ गई बुलाने के लिए, ये मुर्गे देख रही है, आ जा। ये इनके घर में लेंटर पड़ गया, ये देखो सारा टेंट सुखाया मैंने, ये पता नहीं खेत में क्या उग रहा है। ये देखो कितनी सारी बेल लगी हुई है, वो देखो होदी में पानी चल रहा है, वो वाले। ये देखो गेहूँ में पानी लगाया है। ये देखो बिल्ली मौसी, अरे ये जा नहीं रही है, छोड़ दे, जाने दे जाने दे। ये देखो गेहूँ आ गए, ये देखो तुलसी रखने के लिए गमला बनाया है इन्होंने, बड़ी बुजुर्ग छोटी बुजुर्ग। अच्छा ध्यान से, हाँ ये देखो घास आराम फरमा रही है, लेटी हुई है, बढ़िया बन गया है। और वैसे सोना को स्कूल से लेकर आती थी, वहाँ जाती थी, और आज मैं सोना को लेकर आई हूँ तो सीधा अपने घर जा रही हूँ। कितनी खुशी और कितना अच्छा लग रहा है अपने घर में आके, वहाँ पे धूप थी, वहाँ साफ हो गया है। नहीं है आप बना रही तेरी वीडियो, आजा, कह रही मेरी वीडियो मत बनाओ, मैंने कहा नहीं बना रही मैं। यहाँ पे पड़ोस की भाभी लोग आए हैं मेरा मकान देखने के लिए, उसके बाद ये लोग जा रहे थे तो मैं भी इनके साथ निकल गई, मुझे कुछ गांव में था काम। तो देखो अभी हम जा रहे चंदन मैया के घर, उनका घर देखने के लिए, उनके घर में लेंटर पड़ गया, प्लस्तर हो गया है। देखो शाम का टाइम हो गया है, ये देखो गेहूँ आ गए इसमें, यहाँ देखो इसमें गेहूँ आ गए और इसमें नहीं आए हैं फ्रेंड्स, इसमें गेहूँ आ गए इसमें नहीं आए हैं। ये देखो चंदा मामा डूबने की तैयारी में, वो लेबर काम कर रही खेतों में। ये देखो भैया का तैयार हो गया घर, ये लंटर पड़ गया है, झंडा लग गया है, और ये सीढ़ियाँ चंदन मैया ने खुद ही बना लिया। ये देखो ये इनके यहाँ प्लस्तर हो रहा है, वहाँ पे भैया तोड़ रहे हैं पपीते, ये रहे ये भैया यहाँ से पपीते तोड़ रहे हैं, ये देखो पपीते तोड़े हुए हैं, ये रहे कितने सारे पपीते गिरे हैं। ये वाला देखो कैसे आड़ा हुआ है, देखो भैया ने जो सीढ़ी बनाई है वो सीढ़ी से चढ़ के हम छत पे आ गए हैं। देखो छत, आहा हा हा हा, हल्दी है, लो देखो लो, हाय बेइज्जती। ये देखो इन्होंने हल्दी सुखाने डाली है, और यहाँ से देखो कितना बढ़िया लग रहा है नज़ारे। पपीता दिखा दिए, ये देखो अभी इसी में से हमने पपीते तोड़े, देखो पपीते कितने सारे हैं। ये हम लोगों ने पन्नी रखी है नीचे, और नीचे भैया लकड़ियाँ यहाँ इस पर गीली हो रही करके वहाँ रख रहे हैं। ये भाभी हैं लकड़ियाँ उठा रही हैं। तो देखो फ्रेंड्स, चंदन मैया के घर से मैं आ गई हूँ,
मतलब काफ़ी देर हो गई आए हुए। उसके बाद मैंने ये सारा कंबल उम्बल लगा के बिस्तर ठीक करा, यहाँ पे कपड़े फैला दिए हैं ताकि इनको तय करके मैं उस साइड रख दूँगी, उस कोने में। और पूजा पाठ कर दिया है, सोना यहाँ पे होमवर्क कर रही है, और यहाँ पे मैंने बिछा दिया है ताकि मतलब गंदे वंदे पैर अंदर न जाएँ। यहाँ पे थोड़े से दो तीन बर्तन गंदे पड़े हैं, और यहाँ पे खाने में है, बाप रे देखो, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी और यहाँ रोटी बन गई। ये रोटी यहाँ बन रही है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सोया का साग। तो मैं अभी किचन में ही हूँ, किचन का काम कर रही हूँ, उसके बाद ये सब खाना पीना खा के बर्तन धो के फिर मैं सो जाऊँगी। और मैंने कहा फिर मैं बोल जाऊँगी, ब्लॉग की एंडिंग करना शुरू तो कर दिया, एंड करा ही नहीं, तो मैं करी ब्लॉग एंडिंग। ब्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। बाय, लव यू।